गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम संस्कृत में पाठ 10 सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। हमेशा हमें मधुर और अच्छे वचन बोलने चाहिए। वाणी एक ऐसा आभूषण है जो व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। तो बच्चों हमेशा हमें मधुर मीठा और अच्छे वचन बोलने चाहिए जो दूसरों को सुख प्रदान करे। चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आचारः परमो धर्मः, आचारः परम तपः, आचारः परम ज्ञानम्, आचारात् किं न सिद्ध्यति। आचरण, आचार यानी होता है आचरण, परमो यानी परम, आचरण परम धर्म है, आचार परम तप और आचरण ही परम तप है यानी श्रेष्ठ तप है। आचार परम ज्ञान, आचरण ही श्रेष्ठ ज्ञान है। आचारात किम न सिद्ध्यति, आचरण से क्या सिद्ध नहीं होता। तो जो व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करते हैं वह हमेशा महानता ही प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा हमें श्रेष्ठ आचरण ही करना चाहिए। सेकंड वाला देखेंगे, श्रम एव परो यज्ञ, श्रम एव परम तप। एव का अर्थ होता है ही और परो यानी श्रेष्ठ। श्रम ही श्रेष्ठ यज्ञ है। श्रम एव परम तप और श्रम ही परम तप है, अर्थात जो श्रम है वही श्रेष्ठ तप है। नास्ति किंचित श्रम साध्यम तेन श्रम परो भव। नास्ति का अर्थ है नहीं के लिए आता है, नास्ति मतलब नहीं के प्रयोग में आता है। नास्ति किंचित श्रम साध्यम, श्रम के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तेन श्रम परो भव, तेन का अर्थ होता है इसलिए, इसलिए श्रम में तत्पर बनो, अर्थात जो श्रम है वही श्रेष्ठ यज्ञ है और श्रम ही श्रेष्ठ तप भी है। श्रम के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। इसीलिए हमेशा हमें श्रम के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वयाम त्रीणी रत्नानी जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। त्रीणी का अर्थ होता है तीन, रत्नानी यानी रत्न। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल मन्नम यानी अन्न और सुभाषितम यानी मधुर वचन। यानी पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्न और मधुर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़ यानी मूर्ख, पाषाण खंडेशु, पाषाण का होता है पत्थर और खंडेशु यानी टुकड़े। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको ही रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, नास्ति विद्या सम चक्षु न
नास्ति सत्य समं तपः। नास्ति का अर्थ भी अभी मैंने आपको बताया था, नहीं के लिए होता है। नास्ति विद्या समं चक्षु, चक्षु का अर्थ है नेत्र, आंख। विद्या के समान कोई चक्षु अर्थात नेत्र या आंख नहीं है। नास्ति सत्य समं तपः, और सत्य के समान कोई तप नहीं है। नास्ति राग समं दुःखम्, और आसक्ति, राग का अर्थ होता है आसक्ति मोह, राग उसको आसक्ति भी कह सकते हैं और मोह भी कह सकते हैं। आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समं सुखम्, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हस्तस्य भूषणम दानम्, हाथों का जो आभूषण है, भूषण मतलब होता है आभूषण, और हस्त का मतलब होता है हाथ। हाथ का जो आभूषण है वह क्या है? दान। दान हाथों का आभूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम्, और कंठ का आभूषण सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम्, कानों का जो आभूषण है वह शास्त्र है। भूषणे किम प्रयोजनम्, अन्य आभूषणों का क्या प्रयोजन, यानी अन्य आभूषणों का क्या उद्देश्य। जो हम बाहरी सुंदरता को धारण करते हैं वह सिर्फ दिखावे की होती है, परंतु जो वास्तविक हमारे आभूषण है, हाथों का जो हमारा आभूषण है वह दान करना है। गले का आभूषण हमेशा सत्य बोलना है। कानों का आभूषण जो है वह शास्त्रों का श्रवण करना है, अर्थात शास्त्रों को सुनना है। और इन सबके बिना अन्य आभूषणों का कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गुणों भूष्यते रूपम्, गुणों भूष्यते रूपम्, गुणों से रूपों की शोभा होती है। शीलम भूष्यते कुलम्, और सदाचार से कुल की शोभा होती है। सिद्धि भूष्यते विद्याम्, विद्या की यानी सिद्धि से विद्या की शोभा होती है। भोगो भूषणम धनम्, और भोगों से धन की शोभा होती है। एक बार देखिए, गुणों भूष्यते रूपम्, मनुष्य के गुणों से उसके रूपों की शोभा होती है। शीलम भूष्यते कुलम्, और उसकी शीलता से, उसके सदाचार से, उसके विनम्रता से उसके कुल की शोभा होती है। सिद्धि भूष्यते विद्या, और सिद्धि से विद्या की शोभा होती है। भोगो भूष्यते धनम्, और भोगों से धन की शोभा होती है। नेक्स्ट बच्चों, आज हमने 1, 2, 3, 4 और 5 ही हमने पढ़े हैं। कल हम बाकी के जो हमारे रह गए हैं इनको हम कल पढ़ेंगे।